Bismillahir Rahmanir Raheem, Assalamu Alaikum. Welcome to my next lecture in Artificial Intelligence. We left off, we will we'll pick up from where we left off in the last lecture. लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी कि हम एक केस स्टडी बना रहे हैं जिसको हम बेसिकली लॉ और पिनल सिस्टम से पिनल या सिस्टम यानी कानून से रिलेटेड एक्सपर्ट सिस्टम हम बना रहे हैं और जिसमें ये डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं कि जी कैसे चल के हम को तो प्रॉब्लम्स को एक्सपर्ट सिस्टम अगर आपने बिल्ड करना हो तो उसके क्या क्या तरीक़ाकार हैं उसको तो थोड़ा सा हमने हाइपोथेटिकल एक सचुएशन ली है जिसमें हमने कहा था कि हम जजेस से रिलेटेड एक एक्सपर्ट सिस्टम हाइपोथेटिकल बनाना चाह रहे हैं तो आज हम ये करेंगे कि उसको थोड़ा सा मजीद डेवलप uh, करते हैं जो बात लास्ट uh, टाइम की थी आई ब्रीफली एक्सप्लेन वाट द डोमेन इज वट इज वाट इट इज़ ऑल अबाउट उसके बाद ये कि एक्सपर्ट सिस्टम अगर आपने डेवलप करना हो तो प्रैक्टिकली क्या क्या फेजेस आपको करनी पड़ती हैं जिसके बाद आप वही नॉलेज एक्विजिशन कह लीजिए उसके बाद उसकी फिर uh, डिज़ाइन कह लें कोडिंग कह लें और फिर इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग तो हमने उसमें मुख्तलिफ केसेस डाल के आ, हमने उसको टेस्ट रन करके आपके सामने ज़रा दिखाते हैं कि यह सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है तो पहले ज़रा रिव्यू कर लें जनाब जो डोमेन है डोमेन बेसिकली वही है कि पिनल सिस्टम है एक, एक एक्सपर्ट सिस्टम जो उसको करेगा और हम ये चाह रहे हैं कि इसकी जस्टिफिकेशन हमने ये बनाई है कि एक सेट ऑफ जजेज हैं जो बहुत सीनियर हैं और जो सीरियस जो उनके पास केसेस आते हैं सीरियस केसेस से मुराद मर्डर हो गया आ, चोरी है रैंसम है यानी किडनैप फॉर फॉर रैंसम है और टेररिस्ट केसेस यानी ये वो कैटेगरी हैसेज uh, जिनको ये जजे डील करते हैं हमने ये किया कि हमने उनके उन जजेस के पास जाके हमने उनसे डिस्कशन की है उनसे वो इन्फॉर्मेशन हासिल की है एक्स्ट्रैक्ट किया है उसको और उसकी बेसिस पे हम इसकाबिल हुए हैं कि कुछ रूल्स डिफाइन कर सकें कि अगर जो मुख्तफ ऑफेंसेस हैं अगर वो कमिट किए जाएं और वो जज साहिबान के पास आएं तो वो उसके ऊपर कैसे सेंटेंस या कैसे फैसला देते हैं ये है बेसिक डोमिन तो करेंगे क्या कि के हम केस फैक्ट्स जिनको हम कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर केस में हम बात कर लेते हैं कि जी फ्ला मर्डर केस है जी उस केस में ये साहब हैं जिन्होंने क्राइम कमिट किया है ये मकदूल का या किडनैप का नाम है और फिर उसके बाद हमने ये भी फैसला किया है कि जनाब उसके ऊपर जो रूल हैं वो कैसे कैसे अप्लाई होंगे सजा कैसे दी जाएगी कैसे कैलकुलेट की जाएगी वनस अगेन जस्टिफिकेशन वही है कि जनाब हम जजेस को अब उस सीनियर लेवल पे रिप्लेस या उनको असिस्ट करवाना चाह हैं तो फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम जो बात कह रहे थे वो बेसिकली ये था कि सबसे पहले आप उसकी प्लानिंग ऑफ फिजबिलिटी बना लेते हैं जो हमने इन दिस पर्टिकुलर केस हमने कहा कि जी वो जजेस जो कि रिटायर हो रहे हैं तो हमें उस नॉलेज को प्रिजर्व uh, करना है अपने पास रखना है और फिर सिस्टम में उसको लेके यूज करना है जो नॉलेज से रिलेटेड एक्सपर्ट सिस्टम्स की जो सॉफ्टवेयर डेवेलपमेंट लाइफ साइकिल है या जिसके लिए एक टर्म मैंने शुरू में भी जिक्र किया था नॉलेज इंजीनियरिंग जो एक्सपर्ट सिस्टम लोग बिल्ड करते हैं तो कंसीडर योरसेल्फ सेल्फ नॉलेज इंजीनियर इनका काम यह है कि जी वो नॉलेज लेनी है उनसे एनालिसिस करना, करना है उसको स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करना है उसको इम्प्लीमेंट करना है इस सारे प्रोसेस को हम नॉलेज इंजीनियरिंग कहते हैं यू आर अ नॉलेज इंजीनियर एंड योर जॉब इज एक्चुअली टू बिल्ड एन एक्सपर्ट सिस्टम फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज तो वो तीन या चार उसके कैटेगरीज ऑफ केसेज हैं या ऑफेंसेस हैं पे आप ये काम करना चाहते हैं तो बेसिकली इसकी अप्रोच क्या होगी वो यही है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन है सबसे पहले उसके बाद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कह लीजिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वही है कि जी आप पहले जजेस से डिस्कस करते हैं जाके उनसे पूछते हैं तो पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन कर लेते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन बेसिकली ये है देट वी ट्राइंग टू बिल्ड अ सिस्टम टू रिप्लेस सीनियर और रिटायरिंग जजेस

नॉलेज इंजीनियरिंग में आप जाएंगे उनसे जजिस से हमने डिस्कस किया उनसे पूछा कि जनाब ये तीन या चार कैटेगरीज के केसेस हैं जिनको हम डील करना चाह रहे हैं वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू ये प्योरली हाइपोथेटिकल है इसका ऐसा रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता तो हम गए जजेस के पास हमने उनसे कुछ पूछा कि जनाब इनके लिए क्या है तो हमने छह या सात ऐसे रूल्स हैं जो हमने वहां से अखज़ किए और उसके बाद हमने कहा कि जनाब ये जो अगर कानून है कि जहाँ मर्डर किया गया तो ये उसका मिनिमम और मैक्सिमम पेनल्टी है उसके बाद रैनसम की क्या है किडनैप की क्या है थेफ्ट की क्या है टेररिज्म की क्या है तो ये जब आप उन्होंने रूल डिफाइन कर लिए कि जनाब इस तरह है हमने उनको लेके के यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एनालिसिस एंड नॉलेज इंजीनियरिंग अप्रोच जैसे मैंने पिछली दफा भी डिस्कस की थी कि आप एक कोग्नेटिव uh, मैप बना लेते हैं इन्फ्रेंस नेटवर्क बना लेते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेड एंड डिस्कस फिर आप उसको उनसे वैलिडेट करते हैं कि जनाब ये हम समझे क्या यही आपका मतलब है इस जैस वॉट यू टॉकिंग अब तो वो हमने करने के बाद चंद एक रूल्स बनाए हैं जब रूल्स बना लेते हैं तो फिर ऑब्वियसली उसके बाद उसकी कोडिंग और सिस्टमेटिक uh, डेफिनेशन आती है तो ऐसा है हमने किया कि जी बिफोर वी गो ऑन मैं एक्चुअल कोर्ट पे आने से पहले मैं आई आई शो यू हमने जो रूल्स अखज़ किए हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम बेसिकली क्या है उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है तो एक, वो एक फाइल है जिसमें आपके सामने जरा उन रूल्स को पढ़ता हूँ एंड एंड डिस्कस वॉट दशूज आर थोड़ा चलते हैं ये स्लाइड्स की तरफ इन आप, देखते हैं कि यह क्या है तो ये आपके सामने जो मैं फाइल अब डिस्प्ले पे है उसमें अचानक रूल्स हैं जिनको मैं थोड़ा सा आपके सामने पढ़ एक्सप्लेन करूँगा कि वो जो मुख्तफ कैटेगरीज ऑफ फेंसेज हैं जो उन्होंने किया है, उसके वो हमने कैसे समझा है ये वो नॉलेज इंजीनियरिंग नॉलेजिटेशन के बाद रूल हमने ये समझ लीजिए डिफाइन किए पहला रूल ये कह रहा है कि द मिनिम पेनल्टी फॉर मर्डर इज थ्री ईयर्स एंड वन लाख रुपीज फाइन जिसको आप कहते हैं तो जब थ्री ईयर्स का मतलब होता है वो आ रहा है उसको मैंने यहां नहीं लिखा तो सजा यह है कि कम से कम मर्डर की पेनल्टी तीन साल की है और एक लाख जुर्माना

कि सिवरिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द एज एंड इंटेंशन या मोटिव जिसको कहा जाता है दो चीजों में यानी आप जो सजा देना चाह रहे हैं वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है एक तो ये कि जो मर्डर किया गया है मकतूल उसकी क्या एज थी और कत्ल करने वाले की इंटेंशन क्या इंटेंशन से मुराद यही हो सकती है आम हालात में कि आप ये कहें कि ये कत्ल जो है ये आपने सोचे समझे मंसूबे के तहत किया या ये इत्तफाकिया चीज थी या ये किसी रिएक्शन में हो सकता है सो so, अगर आपने ये प्लान किया है तो ऑब्वियसली आम हालात में उसकी इंटे, उसकी जो इंटेंसिटी है ऑफ द सेंटेंस आपकी सजा जो है वो ज्यादा होगी अगर वो इत्तफाकिया है तो वो स्टैंडर्ड एक हमने लॉजिकल ले लिया कि जी आप उसकी इंटेंशन की बेसिस पे आप उसकी सिवेरिटी को डिफाइन करते हैं ये हमने जजिस से अखज़ किया लेकिन इट मेक्स नॉर्मल जनरल सेंस इसके बाद बात हो रही है एक्स्ट्रीम केसेस के केस में हम ले, ये रूल हमने डिफाइन किया दी एक्सट्रीम केसेज सेंटेंस ऑफ डेथ पेनल्टी तो जाहिर है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर वर्स्ट केस ये है कि जी जो मकदूल था उसकी एज भी कम थी ये भी हमने लास्ट लेक्चर में भी कहा था और हमारे रूल्स अभी यहाँ शो नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly, लेकिन वह डिपेंडेंट शो कर रहा है मैं आगे चल के आपको उसको बताऊँगा उसको हमने कैसे ट्रांसलेट किया है तो एक तो यह कि मकतूल की एज अगर कम है तो उसकी सजा ज्यादा है और अगर कि मकतूल की एज कम है तो ऑब्वियसली सजा बढ़ती जाएगी अगर जैसे जैसे उसकी ऐज बढ़ती जाएगी सजा जो है वो कम होती जाएगी और मैंने कहा था कि लेट्स से अगर जो मकतूल है उसकी ऐज मिसाल के तौर पे 80 साल है तो उसकी सजा बनस्बत बीस साल के मकतूल के मुकाबले में कम होगी और जाहिर है कि कत्ल की मैक्सिमम सजा बहरहाल डेथ पेनल्टी होती है तो आमतौर पे मैक्सिमम जो है जहां जिसको सजा दी जाए वो मैक्सिमम सजा की बजाय उसको आम हालात में उसको डेथ पेनल्टी भी दी जाती है इसके बाद सेकंड रूल जो हमने वहां से अखज किया जजिस से डिस्कस करने के बाद वो आपके सामने है रूल नंबर टू देखिए इसको ये बता रहा है मिनिमम पेनल्टी फॉर टेररिस्ट अटैक इज टेन येजनमेंट यानी दस साल की कैद एंड टेन लैक रुपीज जो उसको जुर्माना या आप उसको सजा देते हैं फाइन जिसको कहते हैं सो दस साल और दस लाख अप टू मैक्सिमम ऑफ फिफ्टी ईयर्स एंड हंड्रेड एंड फिफ्टी लैक्स अभी हाइपोथेटिकल केसेस हैं मिनिमम मैक्सिमम कोई भी पेनल्टी किसी भी तरीके से हो सकती है लेकिन यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम सजा पचास साल और एक सौ पचास लाख जुर्माना यानी तकरीबन फिफ्टीन मिलियन या, या डेढ़ करोड़ रुपया जुर्माना डिपेंडिंग अपॉन द दिवरिटी ऑफ द अटैक वंस अगेन यहाँ पे सिवेरिटी जो है कि कितना वो अटैक का नेचर लेवल क्या था आप ये जो सजा है इसमें कुछ बढ़ा सकते हैं या किसको कुछ कम कर सकते हैं इसके साथ ही ये लिखा है कि सिवेरिटी एक्चुअली इज डिसाइडेड ऑन द फिजिकल लॉसेस इनकर्ड बाय द अटैक मसलन इस टेररिस्ट अटैक में कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ तो उसकी रेंज है कि अगर पांच और सौ लाख के दरमियान है तो उसकी सिवेरिटी उसी हिसाब से होगी और अगर इसी टेररिस्ट अटैक में कोई इंसानी जान ज़ाया हो रही है देर वॉज सम काइंड ऑफ ऑफ डेथ ऑल्सो तो वह उसको किसी और पिनल कोड में डिस्कस किया जाएगा हम अपने इस एग्जाम्पल केस में उसको हम इग्नोर कर रहे हैं डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हम सिर्फ ये स्यूम कर रहे हैं कि टेरर अटैक है और उसमें नो no लॉस ऑफ लाइफ सिर्फ प्रॉपर्टी का नुकसान है उसमें कोई इंसानी लॉस शामिल नहीं है इसके बाद चलते हैं जनाब रूल नंबर थ्री पे जो कह रहा है कि अब ये किडनैप से रिलेटेड है पहला मर्डर का था उसके बाद टेररिज्म का था तीसरा किडनैप से रिलेटेड है द मिनिमम पेनल्टी फॉर अ किडनैप इज वन ईयर एंड वन लैख रुपीज फाइन तो एक साल कैद और एक, एक लाख जुर्माना अप टू अ मैक्सिमम ऑफ सेवन ईयर्स इंप्रिजनमेंट यानी सजा और दस लाख जुर्माना डिपेंडिंग वंस अगेन ऑन दिवेरिटी इसी रूल में आगे देखिए सिवेरिटी जो है उसकी डिपेंडेंस हमने जो डिटर्मिन की है जजिस से डिस्कशन के बाद वो हमें ये बता रहे हैं कि सवेलिटी डिपेंड्स अपॉन द डेज कैप्ट अंडर इलीगल लीगल कन्फाइनमेंट यानि किसी को अगवा किया गया तो जाहिर है वो इलीगल कन्फाइनमेंट है जिसको गालबा हेबीएस कोर्पस भी कहा जाता है से भेजा कह लीजिए और उसकी रेंज दी गई है कि जी बिटवीन जीरो एंड नाइन्टी डेज तो जितनी देर वो ज्यादा देर तक जिसको किडनेप किया गया है जितना ज़्यादा उसको अपने पास रखता है उतनी ही सज़ा ज़्यादा होगी और दूसरी बात सवेरिटी डिपेंड करेगी कि उसने रैनसम के लिए कितने पैसे डिमांड किए सो so, वो हो सकता है कि फ्रॉम लेट से ये भी हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं कि फ्रॉम हाफ लैख यानि पचास हज़ार से लेके हंड्रेड लैख तक यानी 10 मिलियन तक इस रेंज के रैनसम मनी है अगर वो इन्वॉल्व थी तो फिर उसकी सिवेरिटी उसी हिसाब से डिटर्मिन होगी वंस अगेन अगर इसी में ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ भी आ जाता है तो वो फिर उसके लिए एक दूसरा पेनल कोड होगा यानी कोई कानून लागू होगा इसके नीचे जी रूल नंबर फोर आपके सामने ये बर्गलरी से यानी चोरी चकारी से डील करता है जिसकी मिनिमम पेनल्टी देखिए आपके सामने 50,000 हाफ लैक फिफ्टी था रुपीज अप टू मैक्सिमम ऑफ 200 लाख, यानी 20 मिलियन एंड वन अगेन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दाख से एक हजार से लेके और तकरीबन हंड्रेड फिफ्टी यानी पंद्रह मिलियन के दरमियान अगर इस रेंज में कोई बर्गलरी की है तो उसको सज़ा उसके अकॉर्डिंगली उसके बाद ये पाँच छः रूल आ है रूल नंबर फाइव मल्टीपल डिग्रीज अगर हो तो ज़ाहिर हर सज़ा उसमें ऐड होती जाएगी रूल नंबर सिक्स कह रहा है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है आ, ज़रा डिफरेंट है कि अगर डिफेंडेंट जो है वो अपनी वो प्लीट गिल्टी वो, वो मान लेता है कि जनाब मैंने ये काम किया है पहली दस हियरिंग में यानी पहली दस पेशियों में अगर वह डिफेंडेंट ये मान लेता है कि ये काम मैंने किया है तो फिर उसको जो सज़ा है उसमें थोड़ी तखफीफ दी जाती है और वो जज डिटरमिन करेगा तो वो मैक्सिमम ऑफ 60 परसेंट तक उसकी सज़ा में तकफीफ़ कर सकता है तो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसने कितनी पेशियों में बिटवीन वन एंड टेन अगर उसने बीस पेशियों में जा कर कि किया तो हमारे लिए हम उसको कोई बेनिफिट नहीं देंगे बेनिफिट देंगे अगर उसको पहली दस पेशियों में वो अपने जुर्म का इकरार करता है और फिर ऑफ़कोर्स सेवन्थ रूल ये है इफ द एक्यूज्ड इज अ पब्लिक ऑफिसर ये भी हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ऐड की थोड़ी सी कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है जैसे मैंने जिक्र किया था कोई जॉब करते हैं तो फिर पेनल्टी बढ़ाई जाती है एक केस में अगर वो मान लेता है तो उसमें कंसेशन है और दूसरे केस में अगर वो कोई पब्लिक ऑफिसर है सरकारी ऑफिसर है तो फिर उसकी पेनल्टी जो है वह फिफ्टी तक बढ़ाई जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन के उसका लेवल या उसका ग्रेड सिस्टम का क्या है तो जनाब ये तो हो गया जो रूल्स की जो इंटरप्रटेशन या डेफिनेशन हमने आपके जो जजेस से हमने डिटरमिन की थी मैं आपको अब आप ले कर चलता हूँ जो हमने इसके लिए कोड डिटरमिन किया है तो ये आपके सामने वो फाइल है जिसको हम कह रहे हैं पेनलाइजेशन एक्सपर्ट सिस्टम इसकी वो कोड की फ़ाइल है तो ये तो जनाब हो गए रूल जो हमने उनसे डिटर्मिन किए इसके बाद हमने पूछा कि आप ज़रा ये बताइए कि जो सिवेरिटी है कि कितनी सख्त आपने सज़ा तजवीज़ करते हैं उसके क्या रूल हैं क्या कानून है? एक बात तो उसे यह पता चली हमें बताया गया कि ये जो सवेरिटी है ये कोई इसकी जो रिलेशनशिप है कि अगर सवेरिटी का मिसाल के तौर पे समझा जाए कि ये सबसे कम सिवेर होना चाहिए और जो मैक्मम है जो हाइस्ट है इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है ये कोई क्लियरली बहुत क्लियरली डिफ़ाइन नहीं है मैथमेटिकल फार्मूले पे ये चीज़ बेस्ड नहीं है यानी ये जो ये जो रिलेशनशिप है कि जी उसने अगर मिसाल के तौर पे सिवेरिटी है कि कितना सख्त इसने ये जुर्म किया है अब ये सब्जेक्टिविटी भी है और एक जज साहब का ख्याल था कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल एक फार्मूले के तहत होनी चाहिए के जीरो से लेके या एक से लेके सौ के दरमियान बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए एक साहब का ख्याल ये है कि नहीं इसमें भी गुंजाइश हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन अदर फैक्टर्स अब वो अदर फैक्टर्स में क्या है कि जो दूसरी चीजें हैं मतलब आप कितनी कंसेशन देना चाहते कंसेशन भी सब्जेक्टिव है बहुत सारी चीजें हैं जो जजिस की अपनी आप कह लीजिए इस, इस पर्टिकुलर केस में जो हमें समझ आया जैसे अब ये ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि जब आप खुद भी डेवलप करते हैं तो कुछ वो अंडरस्टैंडिंग है जो उनके पास है और वहां से आप कैसे अखज़ कर रहे हैं दैट इज अप टू यू तो ये स्विचिंग नॉलेज इंजीनियरिंग का पार्ट है हमने उसको ऐसे समझा तो एक साहब का ख्याल ये था कि जी ये डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए फिर ऐसे है कि जब कोई पब्लिक ऑफिसर पब्लिक ऑफिसर जो है वो अगर वो इन्वॉल्व तो उसका क्या यानी इम्पैक्ट है जैसे हमने कहा था कि सजा बढ़ाई जाएगी उसका क्या रिलेशनशिप है क्या कानून है क्या लॉ है क्या कोई फार्मूला है तो हमने जो डिस्कशन किया हमें यह पता चला कि वंस अगेन कुछ जज साहिबान का ख्याल है कि यह भी स्ट्रेट फॉर्वर्ड होना चाहिए लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए कि जैसे जैसे उनकी क्वालिटी या लेवल या ग्रेड या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाए और वो साथ उन्होंने कोई जुर्म किया है तो सज़ा भी उतनी ही सख्त होनी चाहिए ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है कुछ दो कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि नहीं ऐसा नहीं है बल्कि ये होना चाहिए कि जैसे जैसे आपका लेवल और रुतबा या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाए तो सजा भी उससे डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं बल्कि किसी हद तक जो एक्सपोनशियल फॉर्म कहा जाता है या एग्जैक्टली exactly नहीं लेकिन उस तरीके से कि बिल्कुल लीनियर नहीं होनी चाहिए तो ये मुख्तलिफ़ हमें आरा मिली या हमने डिस्कस किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हम बहरहाल टू सिंप्लीफाई थिंगस हम उनको लीनियर लेना चाहते हैं कि ताकि रिलेशनशिप इसी तरह तखफीफ का मामला है तखफी में यह भी था सवाल पैदा हुआ कि अगर हम कानून कहें कि एक, कि एक से दस के दरमियान जो पहली दस पेशियों में जो मुलजि ये बात मान ले कि मैंने ये जुर्म का इकरार कर लिया कि यह काम मैंने ये जुर्म मैंने किया है तो कानून ये कहता है कि भाई ठीक है हम इसको रिडक्शन कर देते हैं इसकी सजा में तकफीफ करते हैं यह भी डिस्कशन थी कि 10 के 11 हो जाए तो क्या होगा और 11 में आपको पता है कि सिचुएशन डिफरेंट है मतलब ये 10 परसेंट है लेकिन हमें कहीं उस लाइन को ड्रा करना था तो हमने इस तरीके से कहा कि पहली दस पेशों में हो तो हम उसको तखफीफ़ करने को तैयार हैं अब यह भी वही रिलेशनशिप है मुमकिन है आपका इंकि स्ट्रेट होनी चाहिए वो आपका कुछ लोग ख्याल करते हैं कि नहीं अगर बहुत जल्दी मान लेता है उसने बहुत सारे जो लोगों का वक्त बचाया उसने कानून का वक्त बचाया उसने लॉ का वक्त बचाया तो जितना जल्दी वो ये अपने जुर्म का इकरार करे उसको उतना ही जल्दी उसको उसको उतनी ही ज़्यादा सज़ा में तखफीफ होनी चाहिए लेकिन हमने जब फिर समरी के बाद इसको इस पर्टिकुलर केस में हमने कहा कि भाई ठीक है इसको आप ही रहने दें तो बहरहाल वो मैं एक दो स्लाइड में आपके सामने पेश करता हूं कि हमने उसको कैसे किया एक बात तो ये सिवेरिटी की आ गई फिर ये यह आपस में रिलेशनशिप कि उसमें सिवेरिटी का एक या दो या तीन मुख्तल उसने किए हो सकते हैं ऑफेंसेज अब उनको आपस में कैसे जमा किया जाएगा तो हमें यह समझ में आया हमें यह हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी कि अगर दो या तीन केसेस हैं और सवेरिटी है तो फिर जज साहिबान आम तौर तो पे जो मिनिमम है उसको लेते हैं बजाय इसके कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ की तरफ जाया जाए कुछ जज जज साहिबान का ख्याल ये है कि सज़ा बहुत सख्त देनी चाहिए कुछ का ख्याल है कि सजा ऐसी रखी जाए कि जो उसको सजा भी हो और इंसेंटिव भी हो कि भाई वो आइंदा ये काम ना करे तो उसमें इसलाह का पहलू भी वो शायद शामिल करना चाहते हैं एनी anyway, ये ज़रा देखते हैं कि इसको हमने कैसे इसको ट्रांसलेट किया तो ये सवेरिटी ऑफ मर्डर है आपके सामने इसकी रेंज हमने डिफाइन कर दी विक्टम की एज से आप देखिए जैसे जैसे एज बढ़ रही है सवेरिटी कम आ रही है स्ट्रेट लाइन इसी तरह जो उसका इंटेंशन थी मोटिव था वो भी सवेरिटी बता रही है तो अगर उसने बिल्कुल प्लान किया सोच के किया तो स्ट्रेट फॉर्वर्ड है लेकिन वंस अगेन ये हमारी अपनी प्लॉटिंग है अंडरस्टैंडिंग है हमने केस बाय केस उनसे पूछा उनको पॉइंट्स को प्लॉट किया और हमने ये जो लाइन्स हैं ये ड्रा की ताकि हम इसकी बेसिस पे सिवेरिटी डिटरमिन कर सकें इसी तरह टेररिस्ट अटैक की सवेरिटी है कि कितना उसने नुकसान पहुंचाया उसके हिसाब से आप देख सकते हैं यह भी हमने उनसे पॉइंट्स लेकर डिटरमिन किए किडनैप की है कि कन्फाइनमेंट उसने कितने दिन तक रखा उसकी सिवेरिटी है तीन महीने तक इसी तरह टैंसम के कितने पैसे मांगे और सिवेरिटी के, के केस में किडनेप में यहाँ पे प्वाइंट ये बताया गया कि ये चूंकि इस किस्म का ये ऑफेंस है कि यहां पे दोनों का मैक्सिमम लेना चाहिए ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जा सके किडनैप के केस में बर्गलरी का आपके सामने है स्ट्रेट फॉरवर्ड लेनियर कंसेशन जो थी सेवेरिटी में जैसे मैंने आपसे जिक्र किया जितनी जल्दी वो अग्री कर लेता है लेकिन वंस अगेन जो हमने जब पूछा इंटरव्यू किया हाइपोथेटिकल हमने जो बात की उसमें हमें ये इंफॉर्मेशन हमारी बिल्ड हुई कि यह भी लेनियर ही है कुछ लोगों का ख्याल है कि बहरहाल जैसे मैंने जिक्र किया कि जितनी जल्दी वो एग्री कर लेता है उसको उतनी ही जल्दी फायदा मिलना चाहिए इसी तरह ये सीवेरिटी ऑफ दी पेनल्टी है डिपेंडिंग अपॉन फिर सेंटेंस कैसे क्रिएट किया जाता है तो जनरल फार्मूला हमने बनाया कि जनाब जनरल फार्मूला ये है कि सेंटेंस की कम से कम जो मियाद है मिनिमम प्लस उसको सवेरिटी को इन दोनों को मिला जो आप उसको सजा देते हैं उसको इस तरीके से हमने ट्रांसलेट किया या समझाया जो हमने उसको इंप्लीमेंट किया तो मिसाल के तौर पे मर्डर के केस में मिनिमम अगर है उसके पास और उसने मर्डर किया है तो मिनिमम तीन साल सजा तो होगी ही प्लस सिवेरिटी कितनी है उसको हमने सिवेरिटी की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे फंक्शन से और मल्टीप्लाई करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द मैक्म द मिनिम इसी तरह फाइन है और के एक मिनिमम फाइन एक लाख का या एक यूनिट तो जरूर होगा मर्डर के केस में सिवेरिटी की वैल्यू पर डिपेंड करते हुए उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस वन के साथ तो ये टोटल फाइन उसका डिटरमिन इस बेसिस पे किया जाएगा और यही मॉडल जो है ये कंसेशन और मज़ीद पेनल्टी में दूसरे केसेस में भी अप्लाई करता है तो ये तो जनाब हो गया हमने नॉलेज जो इलेसिटेशन की उसके बाद सेंटेंस कैसे बनाया जाता है यानी उसका जो जज साहब उसके ऊपर जो फैसला देंगे उसको सेंटेंस कहा जाता है वो कैसे कैल्कुलेट किया जाएगा सजा कैसे दी जाएगी मिनिमम प्लस उसकी सीवेरिटी और उसके साथ वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर अब मैं आपको लेके चलता हूं जो हमने अब सिस्टम डिवेलप किया है उसमें हमने आ, क्या फॉलो किया है स्ट्रक्चर या किस तरीके से वो काम करता है तो सबसे पहले हमने कहा कि ये जो सिस्टम है एक्सपर्ट सिस्टम ये मर्डर केसेस को पहले देखेगा सबसे पहले जितने भी मर्डर केसेस अगर हैं मसलन एक एक मुलजम ऐसा आया जिसने दो मर्डर केसेस किए हैं और प्लेट से चोरी की है तो सबसे पहले हम मर्डर केसेस को डील करेंगे और हर एक इंडिविजुअल मर्डर केस को एक पहले उसके लिए वही डिटरमिन किया जाएगा कि इसने इंटेंशन क्या थी जिसकी बेसिस पे सवेरिटी डिटरमिन होगी और फिर मरने वाली की एज क्या थी है उसको वो सारी चीज़ें मिला तो सिवेरिटी बनाई बनाई जाएगी उसके साथ वो मिनिम एड की जाएगी और उसको तो हर मर्डर के लिए एक सेट ऑफ रूल्स हमने बनाया जो वो इसी तरह काम करते हैं कि पहले वो देखते हैं कि इसका नेचर क्या था उसके बाद उसके ऊपर कौन सा क्या सेवेरिटी लेवल अप्लाई होना चाहिए और वो फिर एक सेंटेंस बनाते जाएंगे अगर उसमें मल्टीपल मर्डर्स हैं तो वही जो जो रूल uh, है जो मर्डर का रूल है वो दो दफ़ा एक्सीक्यूट होगा दो ही दफा उसके अलग-अलग सेंटेंसेज होंगे और एड हो जाएंगे औरिजिनल के ऊपर मर्डर से गुजरने के बाद फिर वो टेररिज्म केसेज की तरफ आता है तो यही जिस तरह के सेट ऑफ़ रूल्स मर्डर के हैं यही हमने टेर्रिज्म केसेस के लिए उसी तरह से डिफाइन किए हैं कि टेर्रिजम का मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है उसकी पेनल्टी कैसे डिटरमिन करनी है इसके बाद किडनैप, बर्गलरी वगैरह ये वो सीक्वेंस है जो हमने कंट्रोल ख़ुद रखा है सिस्टम में तो आ, मर्डर टेर्रजम किडनैप, बर्गलरी और फिर उसके बाद दो चीज़ें और रह गई कि उसकी कंसेशन हमने डिटर्मिन की कि भई इसने जल्दी मान ली है बात जल्दी फैसला कर दिया कोर्ट का कानून का लॉ का वक्त बचाया इसको थोड़ी सी रियायत मिलनी चाहिए और फिर ये है कि डिपेंडिंग अपॉन की वही बात कि उसने जो वर्डक किया था ये जो कमिट किया था उसमें कोई मज़ीद पेनल्टी ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं तो ये वो सीक्वेंस है जिसमें हमने सिस्टम को एक्चुअली बिल्ड किया है तो ये तो सारा ओवरव्यू हो गया प्रॉब्लम का डेफिनेशन का मुझे यकीन है अब तक अब तक आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने क्या डोमेन है क्या काम है बेसिकली अब अब ये होगा कि एक जज जज साहब हैं जिनके लिए हमने एक्सपर्ट सिस्टम बनाया है अब उसमें हम ये करेंगे अनलाइक जो पहले मैंने आ, केस स्टडी थी उसमें हमने ये किया था कि जो जब एक्सपर्ट सिस्टम चल रहा था वो यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन लेता था, था बैटरी की अपोजिशन याद होगी आपको कि जी बैटरी की क्या कंडीशन है गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है सॉफ्ट उसको नहीं यहाँ हम ये कर रहे हैं टू फेसिलिटेट कि पहले तो मैं आपको थोड़ा कोर्ट दिखाता हूँ उसके बाद जो केस रिलेटेड फैक्ट्स हैं केस फैक्ट्स इनको हम कहते हैं हर एक कंसल्टेशन के लिए एक नेट से एक शख्स के लिए एक मुलिम आपके पास आया उसके केस फैक्ट्स नाम एज उसने क्या क्या ऑफेंसेस कमिट किए हैं वो एक अलहदा फाइल में होगा तो एक तरफ से रूल बेस नॉलेज बेस हम इंसर्ट करेंगे उसके बाद हम इस एक पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स उस सिस्टम में एड करेंगे और फिर सिस्टम को रन करके देखेंगे कि क्या ये उसी अंदाज में काम कर रहा है जो जैसा कि इसको करना चाहिए और जब ये हमें पता चल जाएगा तो फिर हम एक्चुअल यूजनेस को इस्तेमाल करेंगे तो चलते हैं जना देखते हैं थोड़ा सा कोड भी देखते हैं और फिर हम फाइल को लोड करते हैं क्लिप्स में तो लेट्स टुक टेक लोकर दैट अच्छा जी तो आ, बिफोर आई ओपन अप दैट क्लिप्स विंडो मैंने ये एक वर्ड में जरा आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा डिस्क्राइब करने लगाऊँ कि ये फ़ाइल जो है ये इसका स्ट्रक्चर क्या है हमने नॉलेज को कैसे कोड किया इसमें तो ऊपर तो टाइटल आ गया इसके नीचे कुछ टेम्पलेट्स हमने डिफाइन की हैं टेम्पलेट्स क्या हैं? आपको याद होगा ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू ट्रिपलेट्स, फैक्ट्स के लिए तो जिसमें हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो एक पर्सन है मसलन उसके बारे में जो पर्सन का दो स्लॉट्स है नाम है और उसकी एज ये दो पीसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो हम एक बंदे के बारे में एक इंसान के बारे में ले रहे हैं उसके बाद हमने टेम्पलेट डिफाइन की देन वी डिफाइन दैटेगरी द टाइप ऑफ द क्राइम तो हमने मसलन मर्डर की बात की मर्डर में यह है कि नाम है दो बंदों का कि जो मर्डर था और मर्डर करने वाला और करने वाला मक, मक्तूल उन दोनों का नाम और दूसरी बात यह है कि उसकी इंटेंशन क्या थी यानी तीन स्लॉट्स हैं तो एक कत्ल करने वाला एक जो कत्ल हुआ और तीसरा ये कि इंटेंशन क्या थी जिसको हम एक नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ज़ाहिर नंबर से मुरादी होगी कि नंबर अगर एक है तो वह बेसिकली इंटेंशन यानि सवियर लेवल होगा कि उसने इस इंटेंशन से किया कि वह करना चाहता था जैसे जैसे नंबर चेंज होगा इसकी इसकी वैल्यू में फ़र्क आएगा उसके बाद हमने अगला डिफाइन किया जनाब टेररिस्ट अटैक ठीक है ये टेम्पलेट है टू रिकॉर्ड क्राइम रिलेटेड टू, टू टेररिस्ट फैक्ट्स जिसमें उसको कह दिया कल्परेट है और फिर उसके बाद हमने कहा कि लॉस उसने जो फाइनेशियल लॉस था वो कितना हुआ वो तो नंबर आपके सामने फिर तीसरा था किडनेप के लिए कि उसमें उसका नाम था कल्परेट उसके बाद उसने रैमसम कितना मांगा और ये कि उसने कितनी देर तक उसको अपने हप से बेजाम में रखा कितनी देर उसके पास रहा कन्फाइनमेंट फिर अगला जो टेम्पलेट है वो जी बर्गलरी का है चोरी का जिसमें हम बता रहे हैं कि जी वही नाम है उसका बंदे का इंसान का पर्सन का और फिर ये कि जिसकी वैल्यू जिसकी चोरी की जो अमाउंट था उसका वो वैल्यू उसके बाद प्लीड गिल्टी का एक फैक्ट हमने डिफाइन किया ये मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि अगर वो मान लेता है स्लॉट तो हमने डिफाइन किया ऑन हेयरिंग कितनी पेशियों में जाके उसने इकरार किया कि ये मैंने जुर्मेने किया था और वो एक नंबर है जो हम डिफाइन कर रहे हैं इसके बाद एक टेम्पलेट हम डिफाइन कर रहे हैं कि वही के जी वो पब्लिक ऑफिसर है या नहीं है डिफेंडेंट जो पब्लिक ऑफिसर है तो फिर उसका ग्रेड या उसका स्टेटस वैल्यू हमने नंबर के तौर पर ले लिया है इसके नीचे एक और टेम्पलेट डिफाइन कर रहे हैं करंट स्टेट बेसिकली रिलेट करती है वही कंट्रोल जो था बात कर रहे थे कि इस वक्त सिस्टम जो है वो किस फॉर्म में है उसको क्या करना चाहिए और करंट स्टेट में वही था कि सबसे पहले वो मर्डर आता है उसके बाद दूसरे कैटेगरी और करने के बाद आखिर में वो सेंटेंस भी कैलकुलेट करता है और उसमें कंसेशन सो तो ये करंट वो, स्टेट वो को रिप्रेजेंट करेगा फिर एक टेम्पलेट हम डिफाइन करें सेंटेंस की सेंटेंस वही है जो जज साहब ने उसके ऊपर फैसला सादर किया जी उसको पेनल्टी क्या मिलनी चाहिए यानी डेथ हो सकती है उसके बाद प्रिजन है कि उसको कितनी देर की सजा है और तीसरी बात उसको फाइन और इसमें आप देखें कि डेथ के केस में मल्टीपल टाइम्स भी हमने यहां पे कहा कि जी उसको मल्टीपल सजाएं सजाए मौत हो सकती है आगे चलते हैं जनाब हमने कुछ फैक्ट्स डिफाइन किए हैं जिसमें इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल इन्वॉल्व ये हमारे फैक्ट होंगे अच्छा जनाब इसके बाद हमने फ्लो कंट्रोल के लिए बताया है और उसकी करंट स्टेट है जो कि स्टार्ट वैल्यू पे शुरू होती है दैक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं और फिर ये है कि दे फैक्ट्स रनिंग सेंटेंस के सेंटेंस जो है वो इस वक्त फिलहाल क्या है ये वो बात थी आपको याद होगा मैंने जिक्र किया था कि अगर एक शख्स ने मल्टीपल डेट से ऑफेंसिस कमिट किए हैं तो उसका सेंटेंस जो है वो शुरू में हम इस्यूम करते हैं कि कुछ सेंटेंस नहीं है फिर जैसे जैसे उसके क्राइम्स प्रूव होते जाते हैं उसका सेंटेंस एड होता जाएगा यानी अपडेट होगा इसके बाद कुछ फंक्शनस हैं जो हमने यूटिलाइज किए हैं मैं उनके ऊपर नहीं जा रहा मैं सीधा आपके पास फिलहाल रूल्स पे आता हूँ तकरीबन आप ये देखिए कि इसके अंदर हमने जो टाइप्स ऑफ टाइप ऑफ ऑफेंस की बेसिस पे तकरीबन छः रूल्स डिफाइन किए हैं तो सबसे पहला जो रूल है उसका हमने नाम रखा है मर्डर सेंटेंस जिसमें आप देखिए कि वो पूछ रहा है कि जी करंट स्टेट क्या है उसने क्राइम क्या कमिट किया है तो और उसके बाद यह कि जी उसका करंट सेंटेंस की वैल्यू क्या है ये वो सारी चीज़ें मांगता है और फिर कोर्स ये एक कुछ इनको असाइन कर देता है फैक्ट्स को वेरिएबल्स में जिनको बाद में फिर आप अपडेट रिट्रैक्ट कर सकते हैं और पर्सन का नाम बंदे का पूछा जिसने ये एक्ट परमिट किया राइट एंड साइड पर देखें तो ये वो करंट सेंटेंस जो है उसको पुराने सेंटेंस को रिट्रैक्ट करके सिस्टम से निकाल देगा और फिर एक फंक्शन कॉल कर रहा है क्रिएट सेंटेंस वो जो है जिसका काम यह है कि कैलकुलेट सेवेरिटी ऑफ द मर्डर यूजिंग द इन्फॉर्मेशन दैट वी ऑप्टेंड इन द फर्स्ट टू और जिसमें आप ये देखिये कैलकुलेट सवियरिटी मर्डर में कह रहा है कि विक्टम का नाम क्या था इंटेंट क्या था विक्ट की एज क्या थी फिर नंबर ऑफ डेथ्स इसके बाद देखते हैं जी रूल की राइट एंड साइड पहले तो वो जो करेंट सेंटेंस है उसको वो निकाल रहा है क्योंकि okay. जैसे मैंने कहा था कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो जो करंट सेंटेंस कुछ भी नहीं था ज़ीरो जीरो जीरो था उसके बाद उसमें चीज़ें ऐड करेगा और सेंटेंस क्रिएट करने का एक फंक्शन कॉल करता है इसका काम ये है कि जी वो सेंटेंस उसका क्रिएट करके बनाएगा उसके साथ एक सब फंक्शन की कॉल है कैलकुलेट सबरिटी ऑफ द मर्डर तो ये जो सेंटेंस बना रहा है ये पुराने को निकाल के नया सेंटेंस क्रिएट करेगा और जो क्राइम की वैल्यू है मतलब जो जो क्राइम फिलहाल था उस पर्सन से रिलेटेड उसको ये निकाल देगा कि इसका फैसला हो चुका है इसके बाद आगे चलते आप टेररिस्ट अटैक सेंटेंस ये भी वही चीज़ है कि पहले वो स्टेट चेक करता है कि मुझे काम क्या करना है करंट स्टेट की वैल्यू लेके आ रहा है और फिर उसके बाद वो क्राइम का भी एक फैक्ट है कि वो टेररिस्ट अटैक है कल प्रो इन्फॉर्मेशन हमें हमने उसको फीड की हुई है ये दोनों फैक्ट्स को उसने असाइन कर दिया वेरिएबल्स को और फिर इसी तरह करंट सेंटेंस तो करंट सेंटेंस जो था एज यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस रूल उसको पहले तो करंट सेंटेंस को वो वहाँ से पुराने को निकाल के नया सेंटेंस कैलकुलेट करेगा जिसके लिए कैलकुलेट सवेरिटी का एक फंक्शन भी कॉल हो रहा है तो वो दो काम कर रहा है पुराने सेंटेंस को निकाला नया सेंटेंस उसने इंसर्ट कर दिया या असर्ट किया और फिर जो क्राइम की वैल्यू थी कि जी इसने टेरर अटैक है वो उसने सिस्टम से रिट्रैक्ट कर दिया तो मिसाल के तौर पे अगर एक एक आदमी ने टेर अटैक किया था तो जाहिर है वो फैक्ट होगा उसका क्राइम की कैटेगरी का जिसको सिस्टम से निकालना जरूरी है इसी तरह ये बाकी रूल हैं किडनैप सेंटेंस बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन लेता है कि पूछता है सबसे पहले कि करंट स्टेट क्या है फिर क्राइम की वैल्यू लेता है और फिर करंट सेंटेंस लेता है करंट को अपडेट करने के लिए वो फंक्शन कॉल्स कर रहे हैं तो ये तकरीबन पांच या छः रूल्स इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं जनाब और मैंने आपसे जिक्र किया था कि सबसे पहले वो मर्डर रूल्स पे आता है इसी तरह अगर आप नीचे देखिए तो ये मुख्तलिफ और रूल्स हैं कंसेशन सेंटेंस का है वो भी यही कर रहा है कि पहले करंट सेंटेंस को उसने रिमूव किया फिर क्रिएट सेंटेंस की कॉल की और कंसेशन को उसने कॉल किया और बताया कि भाई बताओ कि क्या वैल्यू है कैलकुलेटी कन्सेशन और फिर अट्रैक्ट कर दिया कि जनाब जो डिबेट है इसका जो भी वैल्यू होगी उसको वो पुराने रिबेट को इससे रिप्लेस कर देगा नई वैल्यू से इसी तरह फाइनली जो आप रूल देख रहे हैं वो है पेनल्टी सेंटेंस डिसाइड पेनल्टी इन सेंटेंस ये डिस्क्रिप्शन है पहले वो पूछता है स्टेट कि हम हैं खड़े कहाँ पे हैं उसके बाद वो कह रहा है कि भाई ये ऑफिसर जो है उससे पूछ रहा है कि ऑफिसर पब्लिक ऑफिसर है उसका ग्रेड पूछ रहा है उसका लेवल पूछ है और फिर वही तीसरा जो पैटर्न है तो आप ये देखिए कि ये तकरीबन आइडेंटिकल सेट ऑफ रूल हमने बनाए हैं जिसमें कुछ स्टैंडर्ड आइटम्स ले रहे हैं और करंट सेंटेंस वगैरह वगैरह और राइट एंड साइड पर करंट सेंटेंस को रिट्रैक्ट करते हैं उसके बाद एक फंक्शन कॉल है क्रिएट सेंटेंस और उसके बाद पेनल्टी वो कैलकुलेट करता है और फाइनली वो रिट्रैक्ट कर दिया कि जी अब इस ऑफिसर के लिए आपने ये पेनल्टी आपने डिफाइन कर दी जो भी आपने करनी थी ये तो हो गए जी मेजर रूल्स अब इसके नीचे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक तो फंक्शन नेम ऑफ नेम्क्शन है मैं ज्यादा डिटेल में नहीं आता सिर्फ फंक्शन कॉल बता रहा हूँ तकरीबन इसमें आठ फंक्शन हमने बनाए हैं एक फंक्शन है कैलकुलेट सिवेरिटी ऑफ द पेनल्टी एक है कंसेशन के लिए एक कैलकुलेटी और बर्गलरी एक किडनेप फिर कैलकुलेटरिटी टेरिस्ट अटैक ये बेसिकली इनका काम यह है कि ये सीवेरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और वही जो मैंने इससे पहले आपको स्लाइड दिखाई थी उसकी बेसिस पे ये कुछ फार्मूलाज है इसी तरह मर्डर की सिवेरिटी कैलकुलेट करने के लिए आप देख लें उसको विक्टम चाहिए उसको इंटेंशन चाहिए और विक्टम की एज चाहिए ये तीन फंक्शन को तीन पैरामीटर उसको जा रहे हैं जिसकी बेसिस पे वो मिनिमम वैल्यू प्लस उसके साथ वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था वो लगा के और इस तरीके से ये वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा है और फाइनली ये जो फंक्शन एक नीचे आपको नजर आ रहा है अपडेट सेंटेंस इसका काम वही है कि मल्टीपल केसेज में सेंटेंस को अपडेट करता रहेगा आगे चलते हैं जनाब आपको मैं दिखाता हूँ फ्लो कंट्रोल रूल्स क्या हैं ये बेसिकली इन रूल्स का काम ये है ये तकरीबन छः रूल्स हैं इनका काम ये है आप देख रहे होंगे इनके नाम आपके सामने हैं किडल मर्डर केसेस हैंडल टेर्रिस्ट अटैक केसेस हैंडल किडनेप केसेस ये बेसिकली सिर्फ इनका काम यह है कि सबसे पहले जब शुरू होगा तो ये हैंडल मर्डर केसेस का रूल एक्सीक्यूट होगा जब सारे के सारे मर्डर केसेस डील हो जाएंगे तो फिर ये कंट्रोल आप एक लिहाज से समझिए कि टेर्रिस्ट केसेस को पास कर देगा टेररिस्ट केस जो है वह ढूंढ रहा है कि स्टेट मुझे बताओ स्टेट जो वैल्यू जो है अगर वो स्टेट मर्डर वैल्यू स्टेट की वैल्यू जो है वो मर्डर है इसका मतलब मर्डर केसेस डील हो चुके हैं और मज़ीद कोई मर्डर केसेस डील करने को नहीं है तो स्टेट को रिट्रैक्ट करके नई स्टेट सेट कर दो अब हम रूल्स को देखेंगे तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ फ्लो कंट्रोल को हैंडल करने के लिए सबसे पहले मर्डर केसेस फिर टेररिस्ट के फिर किडनैप के बर्गलरी फिर कंसेशंस के और पेनल्टी के इसमें मैं जो बात हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये है आप ये देखिए कि हमने फ्लो और कंट्रोल जो रूल्स के अंदर ख़ुद हमने इनकॉपरेट किया है हमने यहाँ पे इंफ्रेंस इंजन की मदद हासिल नहीं की यहाँ पे कुछ लोगों की कोशिश ये होती है कि वो रूल्स में प्रायोरिटी असाइन करके रूल्स को का कंट्रोल ख़ुद देखते हैं ये वही बात है जो कंट्रोल से मैं बार बार आपके सामने करता आया हूँ हमने यहाँ पर रूल्स में प्रायोरिटी के बेसिस पे कंट्रोल नहीं किया बल्कि कंडीशन और कुछ फैक्ट्स ऐसे रखे हैं जो एक से दूसरे रोल को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेंगे तो जनाब ये तो हो गई डिस्कशन उसके कोड की अब हम इस पोजीशन में हैं कि स्काइक टेस्ट रन करके आपको दिखाएं। तो आप मुख्तलफ केसेज लोड करेंगे उसमें तो तो केस वन है वो लोड करते हैं पहले मैंने जो लोड किया वो बेसिकली यही रूल्स और जो फंक्शन और जो डेथ थे ये हमने यानी नॉलेज बेस को एक्चुअली हमने एड किया है इसके बाद अब हमने हर केस के लिए केस फैक्ट्स जो है वो अलहदा फाइल में है उनको हम एक के बाद एक लोड करेंगे ये देखिए ये केस वन की फाइल है आपके सामने इस केस में हमने सिंपल मर्डर केस विद फुल इंटेंशन यानी वो केस है कि के सिर्फ मर्डर केस है और इस नियत से किया गया है तो इसको फुल इंटेंशन थी इसकी वैल्यू इसको मैक्सिमम समझिए कि पेनल्टी मिलनी चाहिए जिस केस में और मर्डर और उसका नाम दिया गया है हमने कहा कि जी जो किलर है जो मर्डरर है वो अहमद है और जो मकतूल है उसका नाम अज़र है और इंटेंशन की वैल्यू हमने वन सेट की है और उसके ऊपर हमने इनको डिफ़ाइन किया कि जी अज़र की जो एज है जो जो मकतूल है उसकी एज सिक्सटी थी और इसकी बेसिस पे ऑबियसली डिसाइड होगी कि वो जो सिवेरिटी लेवल है उसकी बेसिस ये हमने केस फैक्ट्स केस वन के लोड किए सिस्टम को रीसेट किया आपके सामने राइट साइड पे फैक्ट्स विंडो लिया है और उसके साथ एजेंडा विंडो भी है और आप देख सकते हैं कि हैंडल मर्डर केसेस सबसे पहले उसका काम यह है कि मर्डर केसेस को हैंडल करेगा और ये फैक्ट वन की बेसिस पे है फैक्ट वन कह रहा है कि करंट स्टेट की वैल्यू जो है वो स्टार्ट है तो हर मरतबा ये देखिए एफ जो है तमाम केसेज में एफ़ जो है वो मर्डर केसेस को सबसे पहले डील करेगा फिर मर्डर केसेस के बाद सबसे दूसरे आएंगे हम ऐसा करते हैं जस्ट टू डेमस्ट्रेट हम आपको एक एक रूल को टेस्ट ऑन करके दिखाते हैं हमने एक रूल को फायर किया मर्डर सेंटेंस तो ये मर्डर वाला जो था अब आप ये देखिए कि उसने आपको दिखाया कि करंट स्टेट की वैल्यू स्टार्ट से उसने अब चेंज करके अब वैल्यू उसने रख दी है स्टेट मर्डर ये वो

तो सेंटेंस में आपने कहा देख लिया कि अभी डेथ जीरो है प्रिजन जो है वो 13.8 इयर्स है और फाइन जो है 36.64 है और नीचे वो मैसेज दे रहा है कि सेंटेंस अपडेटेड दैट सेंटेंस रिमेन ज़ीरो प्रिजन ईयर जो है वो ज़ीरो से 13.8 इयर्स हो गए हैं और फाइन उसने दिया जो पहले ज़ीरो था डिफ़ॉल्ट वो उसने तकरीब थर्टी सिक्स का फाइन किया तो और उसके बाद वो रिट्रैक्ट कर दिया कि वह जो जो मर्डरर था अहमद जिसने अजर को कत्ल किया था उसके ऊपर हमने एक फैसला सादर कर दिया कि उसने ये काम एक मर्डर किया था यहां पे अगर कोई हाईलाइट करने वाली बात है एक तो ये कि उसने जो रूल्स जो मर्डर के रूल्स के बाद एजेंडा पे देखें तो अब वो टेररिस्ट के जो रूल है वो एक्टिवेटेड है और जिसको एक्टिवेट करने वाला फैक्ट नंबर इलेवन है करंट स्टेट बता तो लेट्स एक्सिक्यूट दिस रूल ये देखिए उसने करंट स्टेट को चेंज करके नई स्टेट अब टेररिस्ट तो ये वो कंट्रोल रूल था तो पहले कंट्रोल रूल ने एक्टिवेट किया था मर्डर रूल्स को अब कंट्रोल रूल ने किडनैप केसेस को डील करने के लिए उस रूल को एक्टिवेट किया इसमें बस एक बात और मैं हाईलाइट करता चलूं कि मर्डर केसेस के बाद उसने टेररिस्ट केसेस की तरफ जाना था लेकिन अगर आप फैक्ट लिस्ट में देखें तो कोई टेररिस्ट केस रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट हमारे पास नहीं है तो कंट्रोल जो रूल्स थे कंट्रोल फ्लो के उसने सीधा सीधा कंट्रोल फ्लो जो है वो किडनैप केसेस पे आ गया तो एक उसने स्किप कर दी हमारे कंट्रोल का हिस्सा था तो हम इसको अब एक स्टेप और रन करते हैं अब ये देखिए कि ये भी कोई उसको केस नहीं मिला किडनैप का अब वो बर्गलरी केसेस देख रहा है कोई चोरी का केस तो नहीं है वन सगेंद देखिए चोरी का केस भी नहीं है तो अब वो कंसेशन इसका अच्छा मतलब यह है कि वो जो ऑफेंसिस की लिस्ट खत्म हो गई जितने उसने जो जो केसेस थे उनके ऑफेंसेस नहीं अब वो कंसेशन और दूसरी चीज़ें देखेगा आपके सामने एजेंडा पे तो अब इसने कंसेशन कैलकुलेट किया अब नहीं है सिर्फ उसने करंट इसको कोई कंसेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और करंट स्टेट की वैल्यू थी वो बगलूरी से निकल के अब इस वक्त आप देखें कि वो कह रहा है कि अब हैंडल पेनल्टी पे अब उसको कैलकुलेट करो तो ये देखिए जनाब उसने उस रूल को फायर किया हैंडल पेनल्टी फैक्ट नंबर सिक्सटीन को निकाल दिया करंट स्टेट जो कि इस वक्त ही कंसेशन कैलकुलेट करने की एक नया फैक्ट एफ इंसर्ट किया करंट स्टेट वैल्यू स्टेट पेनल्टी यानी तमाम अब जो सेंटेंसेस हैं उनकी वैल्यू क्रिएट हो चुकी है और जो रूल एक्चुअली फायर होने वाला था उसने सिर्फ मर्डर ही किया था जिसकी के हमारे सामने उसने कैलकुलेशन कर दी अब ऐसा करते हैं जनाब हमने दो चार और केसेज हैं केस टू है इसको आप ज़रा क्विक रन करते हैं ये सिंपल मर्डर ऑफ अ न्यू विद फुल इंटेंशन तो बिल्कुल नौजायदा बच्चा है उसको विद फुल इंटेंशन किया दैट्स आर केस टू ये केस टू हमने नोट किया रीसेट ये देखिए हमने अब इसको क्विक रन करके आपको दिखाया कि एक तो उसने सेंटेंस अपडेटेड किया दैट सेंटेंस जीरो टू वन प्रेजेंट इंजियर जीरो टू ज़ीरो फाइन लैक्स ज़ीरो टू ज़ीरो ये बेसिकली आप देखिए कि एक बच्चे का मर्डर था उसमें कोई उसको कंसेशन नहीं मिली और मैक्सिमम जो है डेथ पेनल्टी उसको दे दी गई है तीसरा केस सिंपल टेररिज्म है विद हाई लॉस ऑफ फाइनेंशियल लॉस केस थ्री लोड हुआ हाई फाइनेंशियल लॉस फैक्ट्स आपके सामने रूल्स एक्सीक्यूट हुए और उसने सेंटेंस अपडेट करके डेथ सेंटेंस को कुछ नहीं नहीं किया उसने उसको तकरीबन थर्टी फाइव ईयर्स की कैद और 98 एट लाख रुपीज का जुर्माना किया उसने ये चौथा केस है जी किडनैप केस विद हाइस्ट कंसेशंस कंसेशन जो हैं वो ज्यादा अच्छी वो ठापन क्योंकि उसने ये देखिए लीड गिल्टी ऑन फर्स्ट हेयरिंग तो पहली हेयरिंग में ही उसने मान लिया उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको मैक्सिमम कंसेशन है रीसेट किया गया रन ये देखिए तो उसने पहली पेशी में ही मान लिया तो अब ये देखिए कि टेस्ट सेंटेंस तो खैर है ही नहीं प्रेजेंट इन ईयर्स तकरीबन चार साल फोर पॉइंट थ्री थ्री सवा चार साल फाइन जो है वो तकरीबन छह लाख रुपए। और फिर अपडेटेड सेंटेंस आप देखिए कि वो चार साल से उसने उसको मॉडिफाई करके कम करके तकरीबन पौने दो साल वन पॉइंट सेवन टू ये सिंपल हमने इसको अभी राउंड ऑफ नहीं किया और फाइनल लाख जो रुपीज़ में जो, जो फाइन था वो भी छः लाख से कम करके तकरीबन सवा दो लाख तो वो इनिशियल सेंटेंस था ये उसका अपडेटेड फाइनल सेंटेंस ये केस फाइव है जी ये चोरी का केस है विद हेवी पब्लिक ऑफिसर पेनल्टी तो मतलब है कोई एक सरकारी मुलाजिम है बहुत सीनियर पोजीशन में उन्होंने चोरी की है तो उस केस में जरा उनको कानून में थोड़ी सज़ा ज़्यादा केस फाइव लोड हुआ रीसेट हुआ फैक्ट्स और एजेंडा आपके सामने रन किया गया पहले देखिए कि डेथ सेंटेंस जो था ये फाइन तो तकरीबन कुछ भी नहीं था ज़ीरो था बर्गलरी की वैल्यू थी जिसमें तकरीबन फ़ाइन इन जीरो से लेके क्योंकि उन्होंने किया था तो उनको मैक्सिमम पेनल्टी दी गई है 200 मिलियन uh, 200 लाख की यानी 20 मिलियन की और अपडेटेड सेंटेंस में देखिए प्रेजेंट ईयर्स कोई नहीं है फाइन लाख रुपये जो था वो इनफैक्ट बढ़ा के 200 से बढ़ा के 297 कर दिया गया है इसलिए कि वो जो सीनियर पब्लिक ऑफिसर और उन्होंने ये बर्गलरी चोरी का केस है तो यहाँ भी केस सिक्स है कॉम्प्लेक्स केस विद मल्टीपल सिमिलर ऑफेंसेज यानी इसने दो मर्डर्स किए तो देखिए क्या क्या होता है फाइल लोड हुई दो मर्डर केसेस हैं ये देखिए पहले केस में सेंटेंस अपडेटेड वो देखिए वो कह रहा है कि डेथ सेंटेंस जीरो टू वन इसका मतलब ये है कि इसको सजाए मौत यहां पे दे दी गई है तो पहले केस में सिर्फ उसको डेथ सेंटेंस है आप देख रहे हैं जीरो टू वन हो गया और इम्प्रजनमेंट या वो चीज़ नहीं है सेकंड केस में सेकंड मर्डर में उसको दो दूसरी मर्तबा सजा मौत दी गई है और यहाँ पे भी उसको कोई फाइन या उस तरह से नहीं है नेक्स्ट केस है जी विद मल्टीपल ऑफेंसेस मर्डर टू मर्डर्स हैं एक टेररिस्ट अटैक है और फिर किडनेप है ये एक बंदे ने ये तीन ऑफेंसिस कमिट किए हैं फैक्ट्स लोड हुए रीसेट और रन मल्टीपल ऑफेंसेस हैं ये जरा मल्टीपल केसेस हैं ज़रा लंबा है आप देख सकते हैं कि सेंटेंसेस के जो केसेस हैं उसका पहला सेंटेंस देखिए इसमें उसको सजा मिली साढ़े सात साल की और जुर्माना उसके बाद डेथ सेंटेंस है ये आपके सामने जीरो टू वन हो गया उसके बाद ये जो सजा है साढ़े सात से बढ़ के पच्चीस तक छब्बीस साल सजा है और फाइन है पंद्रह से बढ़ के पचपन लाख का फाइन मल्टीपल केस है उसके बाद एक ही डेथ सेंटेंस है लेकिन उसकी सज़ा जो है वो पच्चीस साल से बढ़ा के तकरीबन इकतीस साल और फ़ाइन जो है वो तकरीबन आप देखिए कि पचपन लाख से बढ़ा के सिक्सटी टू लैक्स कर दिया गया तो ये है मल्टीपल ऑफेंसेस ये एक और कॉम्प्लेक्स केस है जिसमें मर्डर भी है टेररिस्ट अटैक है फिर किडनैप है और फिर ये है कि उसने गिल्टी भी प्लीट कर लिया है सातवीं हयरिंग पे और जो ऑफेंस करने वाला है वो पब्लिक ऑफिसर है और साथ उसका ग्रेड है जी तो ये एक और केस है हमने फाइल को लोड किया रिसेट करके रन किया मल्टीपल केसेस से आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफेंसिस हैं पहले केस में उसको छः साल कैद है और तकरीब दस लाख जुर्माना उसके बाद अट्ठाईस साल और दस लाख से बढ़ा के सिक्सटी फाइव लैक हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट केस में अट्ठाईस साल से बढ़ा के सत्तर साल उसको सज़ा और फाइन है फिर फाइनली उसको कंसेशन भी दी गई है तो ये बासठ साल की सज़ा और फ़ाइन जो है वो 442 लाख से कम करके 354 हंड्रेड उसको कर दिया गया तो ये है मुख्तलिफ केसेस तो जनाब ये थी केस स्टडी उस सिस्टम की जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था इन अगले लेक्चर में हम इस एक्सपर्ट सिस्टम के टॉपिक को क्लोज करेंगे और इसके बाद जो सबसे कुम टॉपिक हैं उसकी तरफ आएंगे आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड इनशाला दोबारा आपसे बात होगी थैंक यू वेरी मच खुदा